वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं, सोचो क्या, कौन सा गेम बताओ मुझे। मैं बता तो, चलो छोड़ो, कौन बताएगा, लाइव थोड़ा ना कर रहा हूँ। चलो ये बता दो, है क्लैश ऑफ क्लैंस, आप लोगों ने पहले सुना तो होगा इसका नाम, कि बहुत पुरानी गेम है ये, पता नहीं कब के लिए है, मुझे खुद नहीं पता, मैं बोल क्यों रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग इस गेम को कैसे खेलते हैं, और ये अगर आप खेलना अच्छी तरह से आ जाए आपको तो भाई इतनी मस्त लगेगी आपको, मन करेगा छोड़ो ही नहीं भाई, करते रहो, खेलते रहो, छोड़ो ही नहीं, ऐसी गेम है ये। चलो गाइस, पहले हमें पहले बता दो, पहले की बात क्या है इसमें, इसमें ना शुरू में ना आपको ना ये बिल्ड करना होता है, जैसे कि कैनन है, जैसे कि ये कैनन, मैं इसको अपग्रेड पर लगा दूँगा, एक मिनट गाइस। जैसे कि ये सब मेरे को ना इसमें पहली बात होती है, इसमें अटैकिंग करनी होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये ट्रूप्स है। आपको ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए फर्स्टली आपको ये लेवल वन का बैरक्स यहाँ से शॉप में जाके आपको पहले बताते कैसे करना होता है, तो आपको देख लेना, जब मैं नहीं दिखा सकता, पता नहीं क्या दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखा कर रहा हूँ। देखो शुरू में आपको ये बनाना होता है, ये एक्सिलर कलेक्टर, फिर एक्सिलर स्टोरेज, गोल्ड माइन, गोल्ड स्टोरेज, ये चार चीज़ें सब शुरू में बनवाती होती है, ये दो बिल्डर हट बनाते हैं आपसे, ये 500 डायमंड लगते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। ये दोनों आप चीज़ें बनवाते हैं और फिर मतलब बेचारों, और एक कैनन बनवाते हैं, ये कैनन दिखाता हूँ मैं आपको, ये रही कैनन, और एक ये आर्चर टावर, और वॉल भी मिलती है, और ये कब मिलता है पता नहीं कौन से पे मिलता है। चलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जब आप लोग बिल्ड करते हो ऐसा होता है, दिखाओ, जैसे कि मान लो मैं अभी ना ये स्वेल फैक्ट्री है, मैं इसको ना ऐसे यहाँ पे है, जैसे कि ये है, मैं इसको ऐसे अपग्रेड पर लगा दूँगा, अपग्रेड कर दूँगा, तो यहाँ पर एक बिल्डर आएगा और इसको बिल्ड करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे देखो टाइम लिख के आ जाएगा, 2 घंटे लगेंगे होने में। फिर जो इसको देखो बेनिफिट मिलेगा कि आपको ज़्यादा स्टोरेज बढ़ जाएगी, आपकी बेनिफिट होगा इसका। और देखिए जैसे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ये है मेरा नॉर्मल फैक्ट्री है ना, देखो ये दिखा रहा है इसमें अपग्रेड है, इससे अपग्रेड करने से मुझे नई नई चीज़ें मिलेगी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसको अपग्रेड करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको शुरू में ही मिलेगा, और आप में से फिर बारबेरियन होंगे आपके पास, और इन बारबेरियन से आपको मारना होगा, ठीक है, और आपको फिर इसको यहाँ से ऐसे अपग्रेड कीजिएगा तो आपको ये मिल देगा है ना। और फिर आप जब लेवल 2 पे आ जाएगा, जैसे कि मेरा ये लेवल 4 पे आ चुका है ये वाला, मैं इसको अपग्रेड करूँगा तो मुझे ये मिलेगा बॉम्बर, जिससे आप दीवार तोड़ते हैं, अरे बॉम्बर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे लॉन्गेस्ट लेवल 9 का है, तो इस पर मुझे ड्रैगन तक मिल रहा है, ड्रैगन बहुत ऊपरी चीज़ है, आप लोग को भी इसको बनाना होता है, और कैनन, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ होती है टाउन हॉल को अपग्रेड करना, जैसे मैं अभी अपग्रेड में ला रखा है 8-9, जैसे आप टाउन हॉल को अपग्रेड करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें मिलती है, जैसे कि मान लो मैंने इसका अपग्रेड किया तो मुझे, जैसे कि ये मैंने टाउन हॉल लेवल 8 किया तो मुझे 12 बिलियन किंग मिला था, ये एक हीरो है जो गार्ड करते सो भी जाता है, गार्ड भी कर लेता है, और मतलब अटैकिंग में भी हेल्प करते, जैसे मैं मान लो मैं अटैक पर गया तो देख सकते हो आप लोग कि मतलब 12 बिलियन किंग साथ में आता है, अभी बैटल नहीं करना चाहता मैं। देखो अभी इस गेम का क्या होता है मेन बात, जब आप ये सब बिल्ड कर लेते हो आपको डिफेंस बन जाता है, और फिर आपको एक वॉल मिलती है, दिखाता हूँ वॉल क्या होती है, यहाँ पे डिफेंस में जाके ये वॉल है, ये जो ये भी चीज़ है, इस वॉल से ना मतलब जो भी इसे जनरल मैं यहाँ पे वो भेजता हूँ जाइंट, एक ट्रूप है, आप उसको भेजोगे तो ना दीवार को तोड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, और आपके जो चीज़ें होंगी ये मिल के इनको तोड़ देगी। और मोर्टार का ये काम होता है कि ना ये दूर दूर तक एक पत्थर जैसा फेंकता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मैंने आर्चर टावर में से 3 मारते हैं, और ये विजार्ड टावर आपको लेवल टाउन लेवल 6 पे मिलता है, ये पता नहीं मिल जाता है शुरू में मोटार, और ये आपको भी शुरू मिल जाता है। यानी मान लो जैसे मैंने ड्रैगन ट्रेन कर रखा है, दिखाता हूँ आपको ड्रैगन, जैसे ये ड्रैगन है, ठीक है, ये जो ड्रैगन है ना, ये आप ना ये सब होते हैं इनको ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं, ये जो होते हैं इनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, और इनको अच्छी तरह से डैमेज करके फोड़ देते हैं एक ही बार में, 80 डैमेज देखो इसका पर सेकेंड, और इसका दिखाता हूँ आपको मैं, देख रहे हो 30 पर सेकेंड, ये तो मैं लेवल 1 पे है ना, देखो ये जब मैं लेवल 1 पे तो इतना डैमेज, लेवल 2 पे है मेरा 2, देखो इसका कितना डैमेज है 110, मतलब 100 बहुत डैमेज होती है क्योंकि ये वाले बंदे बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। इस जैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे विलेज पे एक अटैक हुआ था जिसमें मैं ऐसे हारा था, एक बार जीत भी गया था, जीतने वाले दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इस पर हमला होता है ऐसे, देखो मेरा ये बेस था उस वक्त का बेस है, मैंने पूरा बना लिया अच्छी तरह से, देखो कहाँ से यहाँ से देखो ये ऐसे हमला कर रहा है, पहले इसको फोड़ा क्यों मैंने अलग ला रखा था, और ये ऐसे ही हमले होंगे आप पे, देखो जैसे कि मोटार है तो ये पत्थर जैसा फेंक रहा है इस पर,
मतलब मुझे ये ना डैमेज करता है, और ये देखो ये बारबेरियन की मेरा मतलब मुझे हेल्प कर रहा है, मार रहा है, लेकिन हार जाएंगे एक्चुअली में बारबेरियन के, हमारा ऐसे पिट जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो ठीक है गाइस, अभी पूरा वीडियो दिखा लो, देख लो आप लोग, मैं भी जो है बताता रहूँगा। तो ये बॉम्बर ऐसे दीवार को तोड़ देंगे मिलके, और फिर ये जाइंट हमला करेगा, और इसका ये क्या नाम है, बारबेरियन किंग तो पिट गया पहले ही। देखो जाइंट भेजे, इसने सारे जाइंट भेज दिए यहाँ पे 10 के 10। देखो ये वॉल तोड़ने में इनको मेन टाइम लग जाएगा, देखो वॉल तोड़ रहे तो उसकी हेल्थ कम हो रही, दिखाता हूँ देखो हेल्थ कम हो रही है इसकी। देखो ये पोशन है, बाद में बताऊँगा इसके बाद, जैसे हेल्थ कम हो रही है और फिर इस पर हमला किया, ये तोड़ रहा है, फिर जो भी इस पर डिफेंसेज होते हैं इनकी फेवरेट चॉइस होती है उन्हीं तोड़ते हैं पोशन की वजह से, मतलब ये फास्ट हो जाते हैं इस पोशन की वजह से, मैं बताऊँगा इसके बारे में भी। पर देखो ये तोड़ रहे हैं इसको मिल के, तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, और मेरे डिफेंसेज अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ दिखा रही है ना ये हेल्थ ग्रीन कलर की, तो ये हेल्थ इनकी डाउन हो रही है, और ये दीवार तोड़ने तक की, क्योंकि दीवार देखो हीलिंग पोशन, इस पोशन जो ये गिरा है ना, ये पोशन हीलिंग पोशन, जिसकी वजह से ये बंदे हील होते हैं, हेल्थ मतलब डैमेज कम होती है। और देखो ये ट्रैप्स हैं जो ये स्केल्टन टाइप हैं, देखो सब मिलकर अटैक कर रहे हैं इन पर, ये अटैक कर रहा है, ये नहीं कर रहे हैं मोटार, ये दूसरा मोटार, देखो ये जो यहाँ पे जो सर्कल है ना बड़ा सा, ये देखो पूरे दिन ख़त्म हो गए, और ये हार गया, अब एंड हो गया बैटल, ठीक है। देखो मैं जीत गया, 36% डैमेज किया उसने, तो मेरा 17 प्लस हुआ था, 17 माइनस हुआ, और इसमें मुझे लूट भी मिलती है, देखो मेरी इतनी लूट थी उसको इतनी मिल गई, और इतनी उसको माइन मतलब नहीं ले पाया, ठीक है गाइस। अब मैं आपको पोशन के बारे में बताता हूँ, इसमें पोशन भी बनाने होते हैं, यहाँ टाउन लेवल 6 पे मिलता है आपको पोशन का, जैसे कि आप ब्रीव करोगे तो एक इलेक्ट्रिकल पोशन है, अभी ब्रीव नहीं करना है मुझे, इलेक्ट्रिकल पोशन होता है, इसकी डैमेज देता है ये, लेकिन मैंने अपग्रेड कर रखा है इसको, अपग्रेड के बारे में तक बताऊँगा। ये देखो ये हीलिंग पोशन है, जो मैं उस वक्त इसने हील किया, इससे हील होती है, मतलब बंदे जो डैमेज हो जाते हैं, मार खा जाते हैं, उनको हील कर देता है ये चीज़ है ना। और ये है आपको इलेक्ट्रिक पोशन, लेवल 3 पे मेरा, और 440 डैमेज करता है प्लस 420, ठीक है गाइस। और इसमें जैसे मैंने दिखाया वो वीडियो में, जैसे कि वो रिप्ले था, उसमें जैसे मैंने डैमेज करा था वो आपका भी करेगा, आपको ऐसी डिफेंस बनानी है, और मतलब अपने इसको प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से जो आपकी ये लूट है ना, ये जो भी है ये लूट, ये ख़त्म ना। और ये एक और बात बताता हूँ, टाउन हॉल लेवल 8 पे जैसे ही आप आओगे, एक डार्क एक्सेल मिलेगा आपको, जैसे आप बारबेरियन किंग बनाओगे, और डार्क एक्सेल के ट्रूप्स भी बना सकते हो, जैसे कि हॉग राइडर और ये मिनियंस, ठीक है गाइस। मैं आपको एक बार अटैक करके दिखाता हूँ, और फिर हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। अब हम लोग अटैक करते हैं किसी भी नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, अपने से ना हो पाएगा भाई, ना हो पाएगा, ये भी ना हो पाएगा। सर्चिंग फॉर अपोनेंट, जैसे ही सर्च करते हैं अपोनेंट्स पे, और ये अच्छा कुछ ढंग का भाई साहब ने को यार, बहुत मुश्किल है ये तो, इसी से है, लेकिन इसमें लूट नहीं है, देखो लूट दिखा रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल लूट, यहाँ पे तो भाई बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसको तो मैं तोड़ सकते हैं, इसके पास अच्छी खासी लूट भी है, चलो आराम से तोड़ दूंगा इसको। तो फर्स्टली देखो मैं क्या करूँगा, ट्रिक है मेरी, जाइंट भेजूँगा, अब देखो क्या होगा इस पर, इस पर हमले होंगे, तो मैं इस पर बॉम्बर भेज दूँगा, दीवार तोड़ेगा ये, तो देख रहे हो आप दीवार तोड़ दी इसने, जाइंट बॉम्ब और ये बॉम्ब ट्रैप्स में आते हैं ये सब चीज़ें। देखो मैं पहले जाइंट मारा गया, अब मैं क्या करूँगा, सारे जाइंट ऐसे करके भेज दूँगा, भेज दिए सारे, मैं ख़त्म हो गया। अब देखो मैं ये अटैक कर रहा है इन पर, मतलब तोड़ना चाह रहे हैं अच्छी तरह से तोड़ना है, मैं आगे हमला करता हूँ तब तक, यार ख़त्म हो गया बॉम्ब, कोई बात नहीं गाइस, हम लोग ऐसे भी जीत सकते हैं आराम से। ओ तीन जाइंट उड़ गए, यहाँ पे ट्रैप्स में आता है एक जाइंट ट्रैप जो चीज़ों को उड़ा देता है, और इस तरफ है बारबेरियन किंग, इसको मैं अट्रैक्ट करता हूँ अपनी तरफ, इसको फोड़ देते हैं हम लोग, तोड़ डाला बारबेरियन किंग को, बीलिंग पोशन इनको दे देते हैं, जिसकी वजह से देखो इनकी हेल्थ बढ़ रही है, भाई देखो मैं ऐसे ही अटैक कर रहा हूँ, आपको बेसिक अटैक करना है, वैसे इनकी डिफेंसेस जो अटैक करती हैं आपको ख़त्म हो जाए सारी की सारी जड़ से एकदम। फिर हीलिंग पोशन डाल दिया, देखो मुझे एक स्टार मिल गया, वैसे मुझे स्टार मिलता है, अगर आपको एक भी स्टार नहीं मिलेगा तो आप डिफीट हो जाओगे, ऐसे ही होता है गेम।
और आपको ऐसे ही हमला कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और ये टाउन हॉल है ये बीच में। ये कहाँ जा रहे हैं? ये जैसे सारे डिफेंसेस टूट जाएंगे मतलब, तब ये अपने नॉर्मल उसमें आ जाएंगे, मतलब सब कुछ तोड़ने लगेंगे। देखो सब तोड़ रहे हैं, क्या बचा है अब यहाँ पे? साइड वाइड में कुछ है क्या? नहीं है। और ये लास्ट थिंग, गाइस में विक्ट्री हो गई तो मुझे ट्रॉफीज मिली, जिसकी मदद से मेरे बोनस भी मिला, और ये आपकी लीग भी होती है इसमें। इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लेना है हम लोगों को। गाइस अभी देखो जैसे कि मैं वॉन हो गया, इसमें दिखा दिया वॉन, और देखो मेरे ट्रूप्स भी आ जाएंगे वापस। तो मैं देखो मैं ट्रेन करके दिखा दूँगा कैसे ट्रेन करते हैं। तो ट्रेन करके ये लगा रखा है ना शेड्यूल, तो ऐसे करूँगा और साइड रूम ट्रेन होने लगेंगे। और गाइस अभी तो बहुत चीज़ें बची है बताने के लिए, है ना? अभी इसका पार्ट टू आएगा, फिर पार्ट टू में मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे खेलते हैं। उसके बाद हम इसकी सीरीज़ बनाएंगे गाइस। पहले हम लोग इसका पूरा हो गया, देखो जैसे कि मेरी लीग बढ़ी अब, है ना? और चीज़ें बची हैं कवर करने के लिए। क्या बचा कवर करने के लिए? एक्चुअली में बचा ही क्या, मतलब सारा तो कवर कर लिया है, थोड़ी चीज़ें बची हैं गाइस। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको, और मैं एक और चीज़ बताऊँगा वो स्पेशल चीज़ इस खेल से आपको भाई बहुत तगड़ी तगड़ी लूट मिलेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा गाइस वो। और प्लीज़ गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी मदद से हमारी फैमिली बढ़ती रही, और हम लोग आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिसकी मदद से आपको मेरी हर ऐसी मतलब इसकी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और इसका पार्ट टू मैं कब डालूंगा? कल परसों तरसों में, तो 3 दिन के अंदर अंदर गाइस डाल दूँगा। अगर इस वीडियो पर 20 लाइक पूरे हो गए आज रात तक, मतलब आज रात तक तो मैं कल शाम तक डाल दूँगा इस वीडियो, अगर नहीं पूरे हुए तो मैं परसों डालूँगा, ठीक है गाइस? ये प्लीज़ गोल पूरा कर देना गाइस लाइक का, और अगर वीडियो अच्छी है तब भी लाइक करना, अगर नहीं अच्छी हो तब भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल के लिए बाय बाय।